उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में 2.5 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। बीते सोमवार को मिले 14 मरीजों के मुकाबले मंगलवार को 35 रोगी मिले हैं। सबसे ज्यादा 20 मरीज गौतम बुद्ध नगर और 5 मरीज गाजियाबाद में मिले हैं। लगातार बढ़ रहे केस को देखते हुए दिल्ली सहित दूसरे राज्यों की सीमा पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। ऐसे में एयरपोर्ट, रेलवे व बस स्टेशनों पर बाहर से आ रहे लोगों की जांच और तेज की जाएगी। जांच के बाद ही लोगों को यूपी में एंट्री मिलेगी। उत्तर प्रदेश में इस समय कोरोना के कुल 289 रोगी हैं। संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान को और तेज किया जाएगा। देश में सबसे ज्यादा 30.51 करोड़ टीके यूपी में लगाए जा चुके हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को सतर्कता डोज लगाने में और तेजी लाई जाएगी। करीब 700 निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 14.74 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। अब तक सभी वयस्कों ने वैक्सीन की पहली व 12.59 करोड़ लोगों ने दोनों डोज लगवा ली हैं। 85% से अधिक वयस्कों ने टीके की दोनों डोज लगवा ली हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।